नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सनसाइंस सॉफ्टनेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 1 मार्च 2021 को सहायक निदेशक ICDS निदेशालय की तरफ से जो है बिहार पटना की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था। ये लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी DPO को लेटर जारी किया गया है। लेटर का विषय है समुदाय आधारित गतिविधि अन्नप्राशन एवं गोद भराई की राशि एवं सेविका के मोबाइल रिचार्ज की राशि ससमय भुगतान करने के संबंध में। लेटर में कहा जा रहा है महाशय एवं महाशया, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 12 फरवरी 2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सेविका सहायिका संघ की बैठक में यह मामला संज्ञान में लाया गया है कि पोषण अभियान अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधि अन्नप्राशन एवं गोद भराई एवं ICDS कैश संचालन के लिए मोबाइल रिचार्ज हेतु आवंटित राशि का ससमय भुगतान नहीं किया जाता। अब सर समय छोड़िए, तो भुगतान ही नहीं हुआ अभी तक। कई साल भर से पेंडिंग है, कई साल भर पहले ही मोबाइल मिला था कई जिलों में, और वहाँ पे जो है राशि 1 महीना का भी मोबाइल रिचार्ज का राशि नहीं मिला है। इस संबंध में उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। ये कुछ निर्णय हैं जो 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट है प्रत्येक माह परियोजना स्तर पर आयोजित सेविका सहायिका के मासिक बैठक में समुदाय आधारित गतिविधि अन्नप्राशन एवं गोद भराई एवं मोबाइल रिचार्ज का विपत्र सेविकाओं से प्राप्त कर लिया जाए। कहा जा रहा है प्रत्येक माह यानी कि हर महीने जो है जो अन्नप्राशन गोद भराई और मोबाइल रिचार्ज का जो भाउचर है वो सेविका या फिर सहायिका के द्वारा जो है परियोजना में प्राप्त कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में राशि का भुगतान संबंधित खाते में करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कहा जा रहा है कि हर महीने के प्रथम सप्ताह में ही जो है उनका गोद भराई अन्नप्राशन और मोबाइल रिचार्ज का जो राशि है उनका भुगतान किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 10 मार्च 2021 तक कैंप लगाकर समुदाय आधारित गतिविधि अन्नप्राशन एवं गोद भराई एवं मोबाइल रिचार्ज हेतु लंबित अभिसर्गों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है तो संबंधित पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त निर्णय के आलोक में अविलंब कार्रवाई की जाए। तो इस लेटर में बेसिकली जो मीटिंग हुआ था 12 फरवरी को, जिसमें सेविका सहायिका संघ के द्वारा जो है ये मामला रखा गया कि हम लोगों का जो है कई सालों से जब से मोबाइल मिला है तब से जो है मोबाइल रिचार्ज का राशि जो है नहीं मिल रहा है, अन्नप्राशन और गोद भराई का भी राशि जो है साल 2 साल बाद मिलता है, तो हमेशा ये जो है ससमय भुगतान नहीं हो पाता है और इन सभी चीज़ों की जो खर्च होती है वो सेविकाओं के द्वारा खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो गोद भराई का हो, अन्नप्राशन का हो या फिर मोबाइल रिचार्ज का हो। आप सभी को मालूम हो कि जब से मोबाइल मिला है तब से जो है सारा काम डिजिटली हो रहा है, चाहे OTP वेरिफिकेशन का काम हो या फिर ICDS कैश पे जो काम चल रहा था उस पर हो, अब जो है पोषण ट्रैकर ऐप आया है तो उस पर काम चलेगा। ये सारे एप्लीकेशन पर जो काम हो रहे हैं वो बिना इंटरनेट के नहीं होते हैं और इनका जो है राशि देना है। मोबाइल के साथ ये भी कहा गया था कि इनका जो इंटरनेट खर्च है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी भी जो है कई जिला कई परियोजना में जो है एक बार भी जो है मोबाइल रिचार्ज का राशि नहीं दिया गया था, और अन्नप्राशन गोद भराई का भी जो है 6 महीना साल भर बाद जो है उसका राशि दिया जाता है। तो तब तक जो है सेविकाओं को जो है खुद ही अपना खर्च करके ये सारे चीज़ जो है करना पड़ता है, तो इसी को जो है संज्ञान में लाया गया। तो इस लेटर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे कोई सूचना को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।